आप में से काफ़ी लोगों ने जो फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हैं, नाहिलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में बहुत पढ़ा और सुना होगा। आज की वीडियो में नाहिलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म के बीच क्या डिफरेंस होता है, इस पर नज़र डालेंगे। 19th एंड 20th सेंचुरी तक, जब काफ़ी साइंटिफिक थ्योरीज प्रूव हो चुकी थी एंड लोगों को गॉड पर डाउट होने लगा, ये वक्त उनके लिए बहुत डरावना था, क्योंकि अब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा, ना ही मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा, इस आइडिया को एंटरटेन करने के लिए कुछ बचा, क्योंकि साइंस ने गॉड एंड रिलीजन के कंसेप्ट को स्ट्रांगली चैलेंज किया, वो भी प्रूफ्स के साथ। एंड तभी लोगों के सामने क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। एंड यहीं से दो टाइप की फिलॉसफीज निकली, एक थी नाहिलिज्म एंड दूसरी एग्जिस्टेंशियलिज्म। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नाहिलिज्म। नाहिलिज्म वर्ड सबसे पहले फ्रीडरिक जेकोबी ने यूज़ किया था, जो एक जर्मन फिलोसोफर एंड सोशलाइट थे। 19th सेंचुरी तक रिलीजन सभी एक्सटर्नल वैल्यूज़ का फाउंडेशन हुआ करता था, एंड ऑब्जेक्टिव मीनिंग भी। बिना गॉड के एक्सटर्नल वर्ल्ड की कोई मीनिंग नहीं होगी, एंड इसी के बारे में नाहिलिज्म बात करता है। कोपरनिकस, न्यूटन एंड डार्विन के साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के बाद गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठने लगे, एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड के ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस रिलीजियस एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। फिर नीचे ने क्लेम किया गॉड इज़ डेड। इस स्टेटमेंट ने लोगों की लाइफ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देन क्वेश्चन आया, इफ़ गॉड इज़ डेड तो गॉड की वर्शिप करने का क्या पॉइंट है। इस थॉट ने लोगों को हर चीज़ के पर्पस पर क्वेश्चन उठाने के लिए मजबूर कर दिया। लोगों को मीनिंग एंड पर्पस चर्च गॉड से मिला करते थे, बट जब गॉड को डेड डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद लोग डिस्पेयर में जाने लगे, क्योंकि लाइफ मीनिंगलेस हो गई। अपनी बुक ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन में उन्होंने बताया, नाहिलिज्म काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, एंड एक ऐसे वर्ल्ड में रहना जहाँ रिलीजन गॉड का कंफर्ट ना हो कैन बी डिप्रेसिव फॉर पीपल। शायद आपकी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब डायरेक्शनलेस पावरलेस फील हुआ हो, आप सोचने पर मजबूर हो गए कि सही में दिस लाइफ हैज़ नो मीनिंग, एवरीथिंग हेयर इज़ मीनिंगलेस। नाहिलिज्म वर्ड लैटिन वर्ड नाहिल से आता है, जिसका मतलब होता है नथिंग। तो अब क्वेश्चन आता है, अगर हम सभी नथिंगनेस से दुनिया में आए हैं तो यहाँ राइट रॉन्ग गुड या बैड कुछ नहीं है। एंड ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो नाहिलिस्ट फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। एक नाहिलिस्ट के माइंड में जाने एंड नाहिलिज्म की थ्योरीज अच्छे से समझने के लिए आपको खुद से पूछना होगा, व्हाई यू बिलीव व्हाट यू बिलीव। आपको ये आइडियाज़ कहाँ से आए, किसने आपका बिलीव सिस्टम क्रिएट किया एंड क्यों। अगर ऐसे ही आप और डीपर जाते जाएंगे, यू विल रियलाइज कि इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, इस वाई एंड व्हाट इज़ द पॉइंट, इनका डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। यही होता है नाहिलिज्म, बिकॉज तब यू स्टार्ट टू फील देयर इज़ नो पर्पस एंड आंसर, वी आर हेयर मेयरली टू जस्ट सर्वाइव एंड सम डे डाई। हम जो भी करते हैं कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें नहीं पता पैदा होने से पहले कहाँ थे और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। नाहिलिस्ट्स नथिंगनेस में बिलीव करते हैं, इट्स द आइडिया दैट वर्ल्ड सिंपली एग्जिस्ट, एंड उन्हें कोई आंसर सेटिस्फाई नहीं कर सकता। नाहिलिज्म क्लेम करता है दैट देयर इज़ नो ग्रैंड आइडिया और पर्पस, इसलिए लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, बट डोंट गेट टू अटैच्ड टू इट, क्योंकि सभी का फेट सेम है, जो है डेथ। ऑल दो ये माइंडसेट लिबरेटिंग फील हो सकता है, लाइक जब कुछ मैटर ही नहीं करता तो जो मन में आए वो करो, राइट? वेल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नीचे ने यह भी बताया कि नाहिलिज्म को ओवरकम किया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने दो टाइप के नाहिलिज्म के बारे में बात की, एक था एक्टिव नाहिलिज्म एंड दूसरा पैसिव नाहिलिज्म। सो पहले पैसिव नाहिलिज्म की बात करते हैं, जो कहता है दैट देयर विल नेवर बी एनी मीनिंग इन द वर्ल्ड, एंड पैसिव नाहिलिस्ट को सफरिंग कम करने की अपनी डिज़ायर से बचना चाहिए।
जिसे नीचे ने नाम दिया विल टू नथिंगनेस। बट फिर ये क्वेश्चन आया कि ये विल टू नथिंगनेस भी तो एक विल ही है, इसलिए इससे बचना एक फ्यूटाइल अटैम्प्ट है जिसने और डिस्पेयर क्रिएट किया। फिर आए एक्टिव नाहिलिस्ट्स। ये वो लोग होते हैं जो डेकेड ओल्ड बिलीव्स, वैल्यूज़ जैसे क्रिश्चियनिटी में थे, उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं और अपने न्यू बिलीव्स क्रिएट करते हैं जो लाइफ को मीनिंग दे। अकॉर्डिंग टू नीचे हमें एग्जिस्टेंस को इस तरह से देखना चाहिए दैट लाइफ में अपनी ऑथेंटिक मीनिंग खुद क्रिएट करें और खुद का ग्रेटर वर्जन बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिसे उन्होंने कहा अ हायर मैन और उबर मैंच। एक हायर मैन अपनी डीप फीलिंग्स के साथ टच में होता है, ही नोज उसके अंदर क्या चल रहा है, नोज हिज इंस्टिंक्ट्स एंड ड्राइव्स एंड सफरिंग्स, और वो अच्छे से जानता है उसे क्या चाहिए। उसकी लाइफ का मिशन होता है कियोस के साथ पीस बनाना। ऑफ कोर्स जिस मीनिंग की यहाँ बात हो रही है वो पॉजिटिव वे में हो रही है, नॉट नेगेटिव कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करने निकल जाओ या लोगों को अननेसेसरीली हार्म करने लगो। आर एक्शंस शुडन्ट अफेक्ट पीपल इन नेगेटिव वे। सो नाहिलिज्म को इस एंगल से प्रेजेंट करने की अप्रोच के बाद कहा जा सकता है दैट नीचे वन ऑफ द एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थे, ऑल्दो उन्हें मोस्टली नाहिलिज्म के साथ नेगेटिव वे में एसोसिएट किया जाता है, विच इज़ रॉन्ग। फिर कुछ फिलोसोफर्स आए जिन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में बात की उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जो नाहिलिज्म ने लोगों के सामने पोज किए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म। व्हाट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म? एग्जिस्टेंशियलिज्म को ऑफ्टन कियरकेगार्ड से रिलेट किया जाता है, जिन्हें फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कहा जाता है। उनके बाद और फिलोसोफर्स भी आए, पर जिस फिलोसोफर ने एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में क्लियरली बात की और खुद को भी एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट डिक्लेयर किया वो थे जॉन पॉल सार्ट्र। एग्जिस्टेंशियलिस्ट का मानना था यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग है ही नहीं, बट फ्री विल, अवेयरनेस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर एक इंडिविजुअल सब्जेक्टिव मीनिंग क्रिएट ज़रूर कर सकता है। सार्ट्र पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले टर्म एग्जिस्टेंशियलिज्म यूज़ की। अकॉर्डिंग टू हिम, एक बार उनके पास एक स्टूडेंट जो लाइफ में मॉरल डिलेमा फेस कर रहा था एडवाइस लेने आया। उसके सामने दो ऑप्शन थे, पहला कि वो मिलिट्री ज्वाइन करके लार्ज मूवमेंट का एक स्मॉलर पार्ट बन सकता था, या फिर अपनी माँ के साथ जो काफ़ी बीमार थी घर रुक के उनका ख्याल रख सकता था, मेकिंग हिम द फोकल पॉइंट ऑफ हर एंटायर लाइफ। सार्ट्रा ने स्टूडेंट को कहा देयर इज़ नो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये उस स्टूडेंट को ही डिसाइड करना होगा कि वो किसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता है, हिज फ्री विल टू डिसाइड हिज फेट। एग्जिस्टेंशियलिज्म टेल्स अस दैट वी आर द आर्टिस्ट्स ऑफ आर लाइव्स एंड वी आर फ्री टू क्रिएट आर ओन डेस्टिनीज। देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट पाथ्स टू चूज फ्रॉम एंड वी आर नॉट बाउंड टू अ सिंगुलर टाइमलाइन। एग्जिस्टेंशियलिज्म की प्रॉब्लम टैकल करने के लिए सार्ट्र ने एग्जिस्टेंशियलिस्ट रिस्पॉन्स दिया, पहले ये डिफाइन करो कि ह्यूमन होने का मतलब होता क्या है। तभी उन्होंने अपनी फेमस कोट प्रेजेंट की जो थी एग्जिस्टेंस प्रसीड्स एसेंस। एसेंस के बारे में सबसे पहले बात की थी ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने। उनके लिए किसी भी चीज़ का एसेंस होता है उस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे टीलोस कहते हैं, जो एक चीज़ का पर्पस डिफाइन करता है। जैसे एक नाइफ का एसेंस होता है चीज़ों को कट करना, चेयर का एसेंस होता है टू सिट, पेन का पर्पस होता है टू राइट। इसी तरह एरिस्टोटल के लिए ह्यूमंस का भी एक स्पेसिफिक पर्पस है, वो ये कि ह्यूमंस इसेंशली रैशनल होते हैं। वेल एट द एंड ऑफ द डे नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मीनिंग बट अस। सार्ट्र ने कहा वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री उन इनफाइनाइट चॉइसेस की वजह से जो हमारे सामने अवेलेबल हैं, जिनसे लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं, बट एट टाइम्स ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। इस फ्रीडम की डाउन साइड ये है दैट कई बार लोग एग्जिस्टेंशियल ड्रेड फील करने लगते हैं, जिसका मतलब है वो लाइफ की अनसर्टेनिटीज देखकर ओवरवेल्म हो जाते हैं कि लाइफ में कुछ गारंटीड है ही नहीं, यहाँ का कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओल्ड डेज में लोग रिलीजियस होते थे, रिलीजन हैविली फॉलो करते थे,
क्योंकि अपनी पूरी लाइफ गॉड पर रिलाय करते आए थे। अंटिल एक दिन कोई फिलोसोफर अनाउंस कर देता है दैट वी कम फ्रॉम नथिंग। नाउ इमेजिन, ये उस रिलीजियस इंसान के इमोशंस के लिए एक रोलर कोस्टर की तरह होगा एंड उसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा फील होने लगेगा, क्योंकि जब रिलीजन एंड कोई रूल्स फॉलो करने को बचे ही नहीं, उनके बिना इंसान एंग्शियस हो जाएगा। अब उसे लाइफ के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। नॉट नोइंग वॉट इज़ नेक्स्ट, नॉट नोइंग वाई वी आर हेयर एंड नॉट नोइंग वॉट द ग्रैंड पर्पज इज़ टू लाइफ। आयरॉनिकली दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। बिना किसी प्री कंसीव्ड आइडिया के लाइफ में अपना ग्रैंड पर्पज हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। लाइफ हमें मीनिंग नहीं देती, ना ही दे सकती है, बल्कि हम लाइफ को मीनिंग देते हैं। अगर आप अपने फ्रीडम एंड मीनिंग को डिनाई करके लाइफ जी रहे हैं, देन सार्ट्रा ने उसे नाम दिया बैड फेथ। मतलब यू आर लिविंग इन बैड फेथ। बैड फेथ का मतलब होता है एक सर्टन वे में जीना, जो सोसाइटी कहती है बस वही करना, अपने ट्रू सेल्फ को, जो फ्री सेल्फ है, उसे रिजेक्ट कर देना। सो गिव मीनिंग टू योर लाइफ हाउएवर वे यू वांट। आइए अब जानते हैं नाहिलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म के बीच क्या डिफरेंस है। जो क्वेश्चंस नाहिलिज्म से निकलते हैं उनके आंसर्स एग्जिस्टेंशियलिज्म के थ्रू दिए जाते हैं। नाहिलिज्म कहता है यहाँ कुछ मैटर नहीं करता, हम नथिंगनेस से आए हैं, इसलिए जो करना है वो करो, हु केयर्स। नाहिलिस्ट क्लेम करते हैं लाइफ की कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, वो एक मीनिंगलेस वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो इसका मतलब है उनके एक्शंस मैटर नहीं करते, जिस वजह से काफ़ी लोग गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, सार्ट्रा के लिए एक इंडिविजुअल का एसेंस लाइफ में उसके द्वारा ली गई चॉइसेस, डिसीजंस एंड एक्शंस के बेसिस पर डिफाइन होता है। मतलब पहले ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, फिर अपने एक्शंस एंड चॉइसेस के बेसिस पर खुद का एसेंस क्रिएट करते हैं, जो हर इंडिविजुअल के लिए अलग है। As he puts it, man is nothing else but that which he makes of himself. And nihilism ने meaninglessness का जो question pose किया था उसके लिए existentialist का answer था, हमें अपनी meaning खुद create करनी होगी। इसके बावजूद कि हम nothingness से आए हैं, we are here and now, and that is what matters. जब तक आप जिंदा हो, यहाँ exist करते हो, तब तक जैसे चाहो अपना फेट डिसाइड कर सकते हो, कोई आपसे ये पावर नहीं छीन सकता। हमारा ग्रैंड पर्पस वो लाइफ क्रिएट करना है जिसमें हम बिलीव करते हैं, और उसे अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जीना होगा। फिर चाहे सोसाइटी क्या बोले, उससे घबराना नहीं है, बल्कि डू व्हाट फील्स राइट टू यू। एक इंसान जब रिलीजन के बनाए रेस्ट्रिक्शंस एंड सोशल स्ट्रक्चर की लिमिटेशन से फ्री हो जाता है, तब He is only left with himself. Who are you when nobody is looking? Who are you if you were born into a white box, hidden far away from the teachings of others? It's just you and your own ideas. Who are you then? Is question par ek nihilist kahega nothing and it wouldn't matter. Wahi ek existentialist kahega You are anything you'd like to be as you create your own reality. And यही difference होता है nihilist and existentialist के बीच। एक कहता है अगर कोई God नहीं है then life is meaningless, और दूसरा कहता है अगर God नहीं है तो वो अपनी meaning खुद create करेगा, as हमारी life की destiny life में ली गई choices के basis पर ही decide होती है। And that is the existentialist answer to the problem of nihilism. Of course, इस सब का कोई भी right और wrong answer नहीं है, और शायद find out भी नहीं किया जा सकता। It's all about perspective कि आप life को कैसे देखते हो, and that is the beauty of philosophy. जो key point है वो ये that हम इस planet पर बहुत ही limited वक्त के लिए आए हैं, so do what makes you happy. Well, this is the end. आप इन दोनों philosophies के बारे में क्या सोचते हैं, अपने views comment section में बता सकते हैं. To follow us on Instagram as well, the link is in description box. अगर video अच्छा लगा हो तो इसे like and share ज़रूर करें,
एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।